21/8/2022 यानी 21 अगस्त 2022 की मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार। ये मुरली 2 मार्च 1992 की रिवाइज हुई है। चूंकि 2 मार्च 1992 को शिव जयंती थी, इसलिए शिव जयंती की मुरली आज सुनाई जा रही है। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों की बधाई दी। शिव जयंती पर बाप दादा परमपिता परमात्मा ने ध्वज को फहराते हुए, झंडे को फहराते हुए सभी बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। यह महान झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो और लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। इस दिन वो शिव जयंती थी, शिवरात्रि थी, इसलिए बाबा को हैप्पी बर्थडे कहा जा रहा है, मुबारक और याद प्यार। वरदान है विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता है। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता है। बाबा कहते हैं किसी किसी के नेचर बन जाता है, प्रकृति बन जाती है, उसके नेचर में उतर आती है कि वो स्वतः ही अपना काम करता रहता है। अगर कोई काम तुम पर डे करते हो तो वो तुम्हारा दूसरी तरफ भी ध्यान रहेगा, तब भी वो तुम काम कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारे नेचर में आ जाता है। तो बाबा कहते तुम अपने नेचर में ऐसा उतारो, विशेषता उतारो, विशेषता के संस्कार को अपने नेचर में उतारो, ऐसा समझ, ऐसा लगे तुम्हें कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता ना हो। बाबा कह रहे हैं साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए, जो साधारण कर्म है तुम्हारे, साधारण कर्म यानी भक्ति की बात हो रही कि जो भक्ति पूजा पाठ है तुम्हारे समाप्त हो जाएं, और भी साधारण कर्म समाप्त हो जाएं, तब तुम्हें कहेंगे मर जीवा। यानी साधारणता से मर गए, विशेषता से जी रहे हैं, ये साधारण चीज़ों से मर गए हैं, केवल हम विशेषता यानी परमपिता परमात्मा को जानकर केवल जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो, जो संकल्प लो वो साधारण तरीके से ना लो, यानी संकल्प लो उसे पूरा भी करो। स्लोगन है समर्थ आत्मा वह है जो किसी ना किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। आज सूचना है, आज माह का तीसरा रविवार है, सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। आज बाबा की सूचना है कि आज महीने की तीसरी रविवार है, तो सभी राजयोगी भाई बहने जो हैं शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक योग के द्वारा अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा महादानी बनके सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाना है। ठीक है, ओम शांति।